एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नुपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी, उज्जैन से। राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया, रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य से और पूछ लिया, पूछा, पहले तो पीछे पीछे चले महर्षि सिद्धि के, इतनी सुंदर महर्षि सिद्धि, इतनी सुंदर छोटी सी कन्या का रूप रखकर महर्षि सिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते महर्षि सिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते छिपरा के तट पर जब हर सिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? रोका, आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां, छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई छिपरा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां, ओ मां, छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकाल वन में घूमने रही है। विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहा है, फिर आवाज लगाई, मां मां, छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, मां, ओ मां। हर सिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हर सिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर? हर सिद्धि ने कहा, मेरे भक्त, गुजरात में, हर्षद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हर्षद गांव, जहां कहती है हर सिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं, तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो ये अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हर सिद्धि, तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है, तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चले जा रहे हरसिद्धि। तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां छिपरा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा, मां, तू चली गई तो भोजन कौन देगा? मां, भोजन कौन देगा? मां, तू चली गई तो संसार का ये अवंतिका पुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिका पुरी विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा? हर सिद्धि मुस्कुराकर कहती है, विक्रमादित्य, तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया।
नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते, कौन जान सकता है। माँ तेरा बेटा ही हूँ, माँ तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूँ। माँ इस अवंती का पुरी में तेरी ही गोद में इसी रज में माँ मैं खेला हूँ। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है माँ, और अपनी माँ को भूल जाऊँ ये कहाँ की बात है। हर सिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर वो बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य मैं कहाँ रहूँ। विक्रमादित्य कहते हैं माँ पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो माँ का कमरा अलग बना देते हैं, इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें दो अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया, और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है, पत्नी खुश हो तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो। तो एक बार माँ के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो माँ 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य माँ हर सिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है। माँ तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस माँ ने कह दिया राजन सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं ये हर सिद्धि आकर बैठ जाएगी। और माँ हर सिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती राजा सुबेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, माँ वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हर सिद्धि दुनिया का भंडार भर रही है, दुनिया का भंडार भर रही है। अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। हमको तो लगता है ये महाकाल राजा ने ये शिव महापुराण की कथा उज्जैन को लोगों को उज्जैन का इतिहास बताने के लिए रखी है, ऐसा लगता है हमको ऐसा महसूस होता है कि ये महाकाल राजा ने खुद ने रखी कि ये मेरी उज्जैनी, ये दुनिया के लोग उज्जैन में रहने वाले भी भटक रहे हैं, वहाँ पर कोई को नई पवन उतरी है नरियल लेके वहाँ पहुँच गई, कोई ने घूम घूम के दो चार दाना बता दिया और कह दिया तो वहां अगरबत्ती लेके पहुंच गई, और यहाँ सारे देवता बैठे हैं, इस भूमि को छोड़कर जाओ तो तुम्हारा भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हो, अरे जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है पूरा विश्व, जो महाकाल राजा का दर्शन करने आता है पूरा विश्व, माँ छिपरा का स्नान करने आता है पूरा विश्व, हर सिद्धि माता का दर्शन करने आता है पूरा विश्व, काल भैरव का दर्शन करने आता है पूरा विश्व, गोपाल जी का दर्शन करने आता है पूरा विश्व, चिंतामन गणेश का दर्शन करने आता है, और आप अभी भी संशय में जी रहे हो, अभी भी संशय तुम्हारे मन में, किसी ने कुछ कर दिया होगा उज्जैन वालों पे, कुछ कर दे फिर वो काल भैरव क्या करेगा उज्जैन वालों पर। अरे उज्जैन वालों को तो ठाट से सोना चाहिए, महाकाल बैठा है, काल अधिपति बैठा है, हर सिद्धि बैठी है, चैन की नींद सोना चाहिए, किसका दम जो उज्जैन की धरा पे आके कहीं का यूच कर जाए। स्केल इसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्य, वो करता है।